लास्ट डे ऑफ आवर विंटर राइड एंड आज हम मिस्टर स्पेड को डुकाटी से डराएंगे। तो एक्चुअली एक मिस्टेक हो गया हमसे, इसका जल्दी शादी कराना पड़ेगा। पता नहीं बहुत गंदी गंदी हरकतें करने लग गया है। जाने के लिए 2 साल चाहिए। बहुत ठंडे भाई। जैसा हम लोग चाहते थे कि मतलब विंटर राइड जैसा हो वैसा ही है। काफी ठंड है यहाँ पे। अभी हम लोग है भवानीपटना में एंड भवानीपटना में रुके थे कल रात को भागीरथी होटल में। होटल के बारे में थोड़ा सा बोल दूँ, होटल काफी अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट होटल इन भवानीपटना एंड प्राइसिंग तो जबरदस्त है। ये जो कमरा आप देख रहे हो ये सिर्फ 1500 रुपीज डबल अकोमेंसी एंड एक आप देख सकते हो एक छोटा सा एक कपबोर्ड का अलग से इन लोगों ने एक अलग से बनाया है। सुमन और चीची लोग जिस रूम में रह रहे हैं और वो रूम और भी ज़्यादा बड़ा है एंड वो 2400 समथिंग है एंड वो स्वीट है। बाकी खाना यहाँ का लाजवाब, बहुत ही शानदार खाना यहाँ पे मिलता है, बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। आप लोग डेफिनेटली अगर कभी भवानीपटना आ रहे हो तो मैं रेकमेंड करूंगा आप इसी होटल में रुकना। बाकी आज 8 बजे एक कोई भी अगर यहाँ पे पाने पड़ने में कोई भी हमारे दोस्त लोग हमको फॉलो जो फॉलो करते हैं अगर वो मिलना चाहते थे, इसलिए मैं एक स्टोरी अपलोड किए थे तो काफ़ी सारे बंदे आए हैं, मैं आप लोगों को उनसे मिलाता हूँ। Hello bro, how are you? Not good. Nice. हाँ, मैं आपको साइड रे पूरी मिल गई। चला, फटाफट तो बेदा बाहर जाओ, काम तो टूट गया। अरे मोटा का चल, हाँ, सही दो। काम तो टूट गया बाहर जाओ। चलो। Oh, actually मैं आपको कल बहुत मिस कर रहा था, उसलिए अच्छा नहीं लगा। मिस कर रहा था? मैं तो तेरे पास ही हूँ, मिस क्यों कर रहा था? रात को मिस कर रहा। Oh shit. मुझे थोड़ा बच के रहना चाहिए। थैंक यू फॉर कमिंग भवानीपटना। अरे थैंक यू हमसे मिलने के लिए, आने के लिए। बाकी भवानीपटना में कभी ठंड है? 12 डिग्री है सुबह सुबह। 12 डिग्री भुवनेश्वर? हाँ भुवनेश्वर में भी काफी ठंड है सुबह, सब न्यू है। आज हम मिस्टर स्पेड को डुकाटी से डराएंगे। ये डर है, ये तुम्हारी यादें, ये डर रहनी चाहिए। इतना बड़ा फैन है देखो, चलाता है होंडा लेकिन डुकाटी का साइड में पूरी है, फटाफट दबा से एक बार भी निकल गया और नॉनस्टॉप इजी हो। हां सही है, ब्रेक्स कम हो जाएगा। नहीं नहीं यहीं पे बगल में खा लेंगे, बगल में टाइम नहीं है, निकल जाएंगे ना हम लोग। पास नहीं है, 400 रुपीज ये पास में, समझ गया 450 किलोमीटर मतलब पैदल जा सकते हैं। ले लो अभी बंद करता हूँ उसको। सो लास्ट डे ऑफ आवर विंटर राइड एंड विंटर राइड जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसे ही जा रहा है। काफ़ी ठंड है। कल शाम को एक्चुअली हमको फुलझरिन जो वाटरफॉल है वो जाना था, लेकिन 5 बजे के बाद वो बंद हो जाता है, तो पाँच बज गया था इसलिए हम लोग नहीं गए। मैं और एक बार आऊँगा, एक्चुअली ये प्लान मेरा कब से था, लेकिन हम लोग तो बाइक में आ गए। मैं इंडोवो लेके आऊँगा तो वो सब जगह हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। एंड आज का जो राइड है थोड़ा लॉन्ग है, अराउंड आई गेस 400-450 किलोमीटर हमको जाना है। थैंक्स टू द बॉयज़ जो कि सुबह सुबह इतना ठंड में आए थे हमसे मिलने के लिए, थैंक्स टू देम। होटल का मतलब सर्विस बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है, प्राइस भी बहुत बढ़िया है, और मैं तो जब भवानीपटना हूँ यहीं पे रुकूंगा भाई। बाइक रिलेटेड किसी क्वेरी थी बोले मैं आपको पिंग को दे दूँ। हाँ हाँ बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ श्योर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ भीड़ हो जाए उससे पहले निकलना यार। बाप रे क्या ठंड है, हालांकि धूप निकला है लेकिन फिर भी ठंड लग रहा है।
अरे बाप रे, मानना पड़ेगा इन बच्चों को यार, बिना कुछ विंटर अदर कंट्री जा रहे हैं। रोड नहीं है, हाँ चौड़ा बहुत वाइड रोड है, ट्रैफिक भी कम है, बढ़िया रोड का क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये वाला मतलब रूट एक्चुअली थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, पूरे ग्राउंड सर्किट जैसा हम लोग कर रहे हैं, ये पूरा जाएगा बलांगीर तक। अभी हम लोग डायरेक्ट बलांगीर जा रहे हैं, कहीं पर भी स्टॉपेज नहीं लेंगे। भवानीपाटना से बलांगीर अराउंड 100 किलोमीटर है। हाँ, ये रोड जो आप तो देख रहे हो ऐसे ही रोड है, बढ़िया रोड, बढ़िया ग्रीनरी चारों तरफ, मज़ा आ रहा है। आपको दिख रहा है कि धूप हो रही है लेकिन फिर भी बहुत ठंड लग रहा है। मैं भी सोचा कि स्वेट शर्ट पहन के उसके ऊपर जैकेट पहन लूँगा, बोले क्या गाड़ी जा, अभी तो धूप निकल गया है, अभी 15-16 डिग्री है। एंड ये जो रीजन है ये पूरा एकदम हमारा वेस्टर्न साइड है, तो यहाँ पे मौसम अलग रहता है। तो एक्चुअली एक मिस्टेक हो गया हमसे, हमको जो हाईवे पकड़ना था बलांगीर के लिए वो हम बाई मिस्टेक भी थोड़ा अलग रूट में आ गए हैं। एंड यहाँ से भी रास्ता है लेकिन ये वो रोड नहीं है, मतलब जिस रोड के बारे में थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, हालांकि अच्छा रोड है, जो रोड है डायरेक्ट फुलवानी टच करता है और यहाँ से कनेक्टिंग है बलांगीर का। आगे से 30 किलोमीटर्स के बाद एक टर्न आएगा, वहाँ से बलांगीर को बाईपास है, वहाँ से देखते हैं मतलब कौन सा रूट ले रहे हैं, कैसा रोड आके हमको मिलेगा कोई आइडिया नहीं। बलांगीर जाना था हम लोग और बलांगीर नहीं जा रहे हैं, ये रोड सीधा टच कर रहा है फुलवानी, तो हम लोग डायरेक्ट फुलवानी होके निकल जाएंगे और उस तरफ से जो बलांगीर बौद्ध होके जो हमको जाना था। फॉर्चुनेटली ये हुआ कि हम बाई मिस्टेकली अलग रास्ते में आ गए एंड ये रास्ता जा रहा है डायरेक्ट फुलवानी। भी प्लान करेंगे फुलवानी होके निकल जाएंगे और रोड तो अच्छा ही है तो रूट चेंज नहीं करेंगे। पीयूष कभी फुलवानी नहीं गया ना, पीयूष कभी फुलवानी गया भी नहीं है, फुलवानी देखा भी नहीं है, तो वो एयर स्ट्रिप भी आएगा वहाँ पे, थोड़ा हम लोग ड्रैग रेस भी कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे। प्रोविडेड हो गया शिट, लास्ट टाइम वहाँ पे हम लोग किए थे, वो आएगा फुलवानी में, दिखी हम तो दिखा देंगे, तो कुछ कर नहीं पाएगा, तेरे को दिखा देंगे हम लोग। अरे हाँ, बाई मिस्टेक लिए एक राइड में चला गया था जो जाने के टाइम, लेकिन वो अपनी बाइक पे नहीं गया था, मैं वो भूल गया था। अभी याद है। अरे शायद टाइगर के पीछे बैठा था शायद, तुझे याद कैसे आएगा बेटे, कुछ याद आया, बेलगर राइड था वो, बेलगर राइड, गाड़ी जो तुम्हारा पानी के अंदर डूबा और तुम भी डूबे, तुम्हारा फोन डूबा और तुम कितना गुस्सा खा रहे थे रात को। अच्छा है, नया रोड देख रहे हैं हम लोग, थोड़ा मतलब भलाएंगे बहुत वाला रोड तो किए हैं, ये वाला रूट कभी नहीं किए, थोड़ा करते हैं नया रूट, भलाएंगे वाला किए हैं ना हम लोग किए, मतलब मैं आशीष ये सब किए हैं। रामपुर आज ट्यूजडे है ना, ट्यूजडे में इतना भीड़ है। देख के काफ़ी भीड़ है, पता नहीं बाजार है पूरा एकदम, सुबह सुबह लोग सब सब्जियां खरीदने आए, काइंड ऑफ जंक्शन है, यहाँ से बलांगीर के लिए भी रास्ता है एंड फुलवानी के लिए भी रास्ता है। देखेंगे आगे डिसाइड करेंगे रुक के कि मतलब किस तरफ से जाने से हमको बेटर होगा। फुलवानी होके चलेंगे, चलो राइट, रोड अच्छा दिख रहा है यहाँ से भुवनेश्वर अराउंड 340 किलोमीटर से। लगभग 100 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं एंड अभी जस्ट तुमड़ी मंदिर में ही है, यहाँ पे पेट्रोल फिल अप कर रहे हैं। जब विंटर राइड 2019 में हम लोग गए थे बेलघर, इसी रूट से गए थे और जिस राइड में झरना मान डिस्कवर किए थे। आगरा लिखा ही जरूर we
घुमा दो घुमा घुमा लगो घुमा। और ये है बालीगुड़ा एंड यहाँ पे हम लोग एक टी ब्रेक करने के लिए रुके हैं। भाई दिन के 11 बज रहे हैं लेकिन फिर भी ठंड काफ़ी है। सो अभी हम लोग हैं बालीगुड़ा में एंड यहाँ पे रुके हैं एक टी ब्रेक लेने के लिए, एक्चुअली कॉफ़ी ब्रेक लेने के लिए। अभी टाइम कितना हुआ? 11:15 चेंज करके अभी मैं पहनूंगा स्वेट शर्ट क्योंकि बहुत आप बोल रहे थे बेयर बॉडी जाएंगे। पागल है, कब बोला था तुझे ऐसा, कब बोला? इसका जल्दी शादी कराना पड़ेगा, पता नहीं ये बहुत गंदी गंदी हरकतें करने लगी है। जानने के लिए 2 साल चाहिए ना। 2 साल तेरे 2 साल मेरे 2 साल, वो 4 साल से देख रहा है हमें, मुझे 2 साल, ये दोनों बोल रहे हैं इसको 2 साल उसको 2 साल, ऐसे बोल रहे जैसे एक ही लड़की को शादी करने वाले। पांडव वाले भाई तो नहीं हो, द्रौपदी लेके जाओगे? एक दो 3 4 5 छोड़ दो आशीष भाई अपना वहाँ पे। अरे श्रेया पता नहीं वो जब से आया है ना पता नहीं किसी और से बात कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा टी ब्रेक लेंगे एंड कॉफी ब्रेक फिर उसके बाद फुलवाणी डायरेक्ट सीधा फुलवाणी। यहाँ से फुलवाणी कितना होगा? 78 जो नेक्स्ट स्टॉपेज होगा वो होगा फुलवाणी एंड फुलवाणी में हम लोग लंच करेंगे जो कि यहाँ से अराउंड 75 किलोमीटर। अरे नीचे कहाँ जा रहा है? नीचे जाना है तो हाँ राइट यहाँ से नीचे ही जाना है। अब मुझे याद आया यहाँ से जाने से दारिंगबाड़ी आता है, सीधा जाने से फुलवाणी। यहाँ पे हम लोग रुकेंगे थोड़ा लंच करेंगे। ऑपोजिट में रखते ना यहाँ पे छाँव में, इधर याद है ना लास्ट टाइम इधर रखे थे तरफ लगाए थे ना। और ढाबा पूरा मतलब खाली खाली है, अच्छा रहेगा। सो अंदर चलो ना इधर क्यों रखा। सो यहाँ पे थोड़ा लंच करेंगे एंड लंच करके जितना जल्दी होगा निकल जाएंगे क्योंकि ये अंधेरा होने से पहले जितना मैक्सिमम रोड हम कवर करेंगे उतना अच्छा होगा क्योंकि नहीं तो बाद में ठंड से हम लोग कुल्फी बन जाएंगे। लास्ट टाइम 2019 में जब हम बेलघर गए थे यहीं पे खाए थे एंड लंच करके गए थे, बहुत अच्छा यहाँ पे मिलता है। मुझे तो पहले से पता है, हम लोग सबको पता है कि यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। इवन और एक बार भी हम लोग दारिंगबाड़ी गए थे 2018 में शायद, तब भी यहीं पे खा के गए थे। तो बोला जाए तो मतलब ये काइंड ऑफ हमारा एक मतलब जाना पहचाना एक होटल है जहाँ आपको पता है कि यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है। रुचि ढाबा इसका नाम है। हम लोग ऑर्डर किए हैं रोटी मटन देसी चिकन सब आज उड़ा देंगे। बाकी पर जो टोटल डिटेल्स वाला यहाँ पे खाना पीने का जो भी हम लोग खाएंगे उसके ऊपर मैं ऑडियो ब्लॉग बनाऊंगा, आप उसको ऑडियो ब्लॉग भी देख सकते हो, ऑडियो ब्लॉग में सब्सक्राइब कीजिए। चिप्स मटन अनदर 120 किलोमीटर्स टू नयागढ़। नयागढ़ से भुवनेश्वर 100 किलोमीटर्स है। तो अभी सोच रहे हैं कि हम दसपला में रुकेंगे, दसपला में पेट्रोल फुल अप करेंगे, वो लास्ट स्टॉपेज होगा एंड उसके बाद डायरेक्ट भुवनेश्वर। एंड यहाँ का जो खाना रुचि ढाबा का माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया खाना था। एंड अगर आप लोग कभी इस तरफ आते हो दारिंगबाड़ी की तरफ डेफिनेटली फुलवाणी में यहीं पर रुक के खा के जाइए, बढ़िया खाना नॉनवेज खाना आपको पसंद हो। तो ये रहा फुलवाणी सिटी, हम अभी एंटर कर रहे हैं।
नहीं रिटर्न किया था ना, तो मेरे पीछे बैठ के गया था ना, इसलिए को कुछ पता नहीं। ओके सो अनदर 180 किलोमीटर्स टू भुवनेश्वर, और हम लोग यहाँ पे रुके हैं थोड़ा ड्रोन उड़ाने के लिए। चालू है बे, ये ऑफ कर दिया हूँ मैं। हाँ तो यहाँ पे रुके हम लोग थोड़ा ड्रोन उड़ाने के लिए, तो इसके बाद जो शॉट्स आएंगे वो ड्रोन शॉट्स आएंगे। एंजॉय द ड्रोन शॉट्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये पूरा वैली यहाँ से दिखता है एंड ऊपर से तो और भी ज़बरदस्त दिख रहा था। नयागढ़ यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर है एंड बढ़िया टाइमिंग है हम लोग का। जैसे हम लोग सोचे थे कि शाम को 7 बजे के अंदर घर पहुँचना है हमको, आई गेस हो जाएगा अगर, और बस एक ही ब्रेक लेंगे हम लोग, पेट्रोल फ्यूल अप वाला ब्रेक लेंगे। 100 किलोमीटर होगा वहाँ से नयागढ़ से। हाँ बढ़िया लग रहा है, क्लास। यहाँ से भुवनेश्वर आ रहा है 100 किलोमीटर। फाइनली खोर्धा, मैं थोड़ा पीछे रह गया, आ रहा हूँ। पहुँच गए हम भुवनेश्वर फाइनली ऑन टाइम। टाइम कितना हो रहा है, 7 बज गया है। बाय पीयूष, बाय। आखिरी बार तेरे को गर्मी दे रहा हूँ, बाय बाय गुप्ता। मैं तो बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स, इतना राइड हम लोग किए हैं वन ऑफ द बेस्ट होगा, क्योंकि बहुत ही चील मार मार के ट्रिप किए। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि विंटर राइड जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा था। मतलब लास्ट टाइम जब हम लोग सिमड़ीपाल गए थे, हालांकि उस टाइम थोड़ा ठंड होना चाहिए था, लेकिन बारिश की वजह से वो ठंड पूरा गायब ही था। मतलब इवन भुवनेश्वर में भी काफ़ी ठंड लग रहा है, बढ़िया था। मतलब विंटर राइड जैसा ठंड होता है उसी तरह का हमको फील हुआ। एंड पूरा हम लोग एक सर्किट भी किए, सर्किट लाइक हम लोग यहाँ से रायगढ़ होके, ब्रह्मपुर रायगढ़ होके कोरापुट, फिर कोरापुट से भवानीपटना होके
फुलबाणी होके बोले थे काइंड ऑफ सर्किट हम लोग किए एंड उड़ीसा के काफ़ी सारे मतलब इंटीरियर पार्ट्स को हम लोग टच करके आए, बहुत अच्छा लगा। एंड और एक बार मैं डेफिनेटली जाने वाला हूँ, अगर कुछ ऐसा स्पेशल खाना वाना कहीं पे मिला या कुछ हटके कुछ चीज़ मिला डेफिनेटली उसके ऊपर मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा, कैमरा तो साथ में लेके ही जाऊंगा। ये ट्रिप कैसा लगा आप लोगों को? अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब मी गाइज एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मेरे दोस्तों को भी। घर 10 और 1 किलोमीटर ही है, मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ। इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं।